सऊदी अरेबिया के हिज मैजेस्टी किंग को मिलता हूं तो वो बड़े गर्व से मुझे कहते हैं कि देख भाई, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और क्यों प्यार करता हूं तुझे मालूम है? क्योंकि मुझे बचपन में हिंदुस्तान के टीचर ने पढ़ाया था। आपको यकीन नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सम्मान बरसाने वाला सऊदी अरब कुछ समय पहले तक पाकिस्तान का दोस्त था। सऊदी अरब ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तानाशाह को सऊदी अरब ने इस लायक नहीं समझा कि उसको अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दे। वैसे तो भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ती की बुनियाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 के अपने सऊदी अरब दौरे में ही रख दी थी, लेकिन उस पर विश्वास और दोस्ती की खूबसूरत इमारत प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई जब वो पहली बार 2015 में सऊदी अरब पहुंचे थे। हमारा विकास विश्व में विश्वास पैदा करेगा, हमारी प्रगति परस्पर प्रेम बढ़ाएगी। विश्व कल्याण के इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मैं आपको, पूरे विश्व के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं। जैसे जैसे सऊदी अरब की आंखों में हिंदुस्तान का कद बढ़ता चला गया, पाकिस्तान सऊदी अरब की नजरों में त्यों त्यों उतरता चला गया। आज आलम यह है कि भारत और सऊदी अरब का सालाना कारोबार 40 अरब डॉलर का है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह कारोबार बस 7 अरब डॉलर का है। सऊदी अरब में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या करीब 26 लाख है, जबकि पाकिस्तानी इसके आधे भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब को कभी निराश नहीं किया, जब भी वहां से न्योता मिला एक सच्चे दोस्त की तरह दौड़े चले गए। लेकिन इमरान खान तो अपने घरेलू झगड़े में ही व्यस्त है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रिश्तों की बुनियाद अगर आपसी विश्वास होता है तो साथ ही आर्थिक संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना करके अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। हिज मैजेस्टी द किंग और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के मार्गदर्शन में हम संबंधों में अप्रत्याशित प्रगति और अपनापन ला पाए हैं। मैं उनके प्रयासों के लिए, भारत के प्रति उनके अपनत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी को पता है कि उनके सऊदी अरब की यात्रा से 4 फायदे होंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध कायम रहेंगे, कूटनीतिक रूप से भारत के विश्व नेता के रूप में पहचान बढ़ेगी। दिसंबर में दोनों देश संयुक्त रूप से नौसैनिक युद्धाभ्यास करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस्लाम की रट लगाने के बावजूद मुस्लिम देशों में ही अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसा है कि वो अलग थलग तो हो ही गया है करीब करीब, इसका अभी उनके जाने के पहले भी, क्योंकि उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया और उनका समर्थन करता तो और भी मुस्लिम देश आ जाते, वो दो के अलावा, टर्की और मलेशिया के अलावा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक कि पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान का इसमें मामला है, वो तो अब पीछे पड़ गया। रियाद के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत के प्रधानमंत्री कीनोट स्पीकर बनकर आए हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि इतने बड़े मुस्लिम नेशन में पाकिस्तान कहाँ रह गया? इमरान खान को इनविटेशन मिला या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है जानना कि क्या पाकिस्तान एक मिनिस्टर तक नहीं भेज पाया इतने बड़े इन्वेस्टमेंट समिट में, जिस देश में पाकिस्तान आकर हमेशा फंड्स और एड्स मांगता है। कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से सऊदी अरेबिया को भारत की अहमियत की पहचान हो गई है और पाकिस्तान की अहमियत इस देश में कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। आलम यह है कि सऊदी अरब में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भारत में 11 अरब डॉलर सालाना आता है ना फायदे की बात।